हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में, दिल से स्वागत है आप लोग का। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे और सभी को ठीक भी रहना चाहिए। मैं भी ठीक हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूट्यूब के 6 नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। तो यूट्यूब ने तो कमाल ही कर दिया, अब किन्हीं के चैनल पर व्यूज की कमी नहीं होगी। तो आगे मैं यूट्यूब के 6 अपडेट के बारे में आप लोग को बताऊँगा, जिसे आप लोग को अच्छी तरह देखना है और समझना है और अपने चैनल पर अप्लाई करना है, फिर आपके चैनल पे व्यूज की कमी होगी नहीं। तो इसे अच्छी तरह समझने के लिए आपको इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना पड़ेगा, तभी आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ पाएगा। और जो फर्स्ट बार ज्वाइन किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। तो अब आप लोग का ज्यादा वक्त ना लेकर के चलते हैं वीडियो के टॉपिक पे और वीडियो को करते हैं शुरू। हेलो फ्रेंड्स, तो फर्स्ट अपडेट है जो कि कल अपडेट आया था शॉर्ट मोनेटाइजेशन को लेकर के। तो उसी शॉर्ट सेक्शन में एक फीचर आने वाला है, एक फीचर ऐड होने वाला है, जिसे आप अच्छी तरह पढ़ के समझ के देन आप फिल कीजिएगा, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप जानते हैं सेकेंड अपडेट के बारे में, जो है मेंबरशिप को लेकर के। तो पहले जो भी मेंबरशिप लेते थे तो उनके चैनल नेम के नीचे मेंबरशिप का बटन होता था, बट इस अपडेट के बाद अब जो है मेंबरशिप का बटन डिस्क्रिप्शन में शो होगा। आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, अदरवाइज ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जानते हैं थर्ड अपडेट के बारे में, जो है सब्सक्राइबर फॉर्मेट को लेकर के। तो अब YouTube आपके सब्सक्राइबर को अलग अलग फॉर्मेट में दिखाएगा। अब इस अपडेट के बाद आप अपने सब्सक्राइबर को अलग अलग फॉर्मेट में देख पाएंगे। जैसे जो भी सब्सक्राइबर आपको शॉर्ट से मिले हैं, शॉर्ट सेक्शन में दिखाया जाएगा। लॉन्ग वीडियो के थ्रू जो भी सब्सक्राइबर आपको मिले हैं वो लॉन्ग वीडियो के सेक्शन में दिखाया जाएगा। लाइव स्ट्रीम के द्वारा जो भी सब्सक्राइबर आपको मिले हैं वो लाइव स्ट्रीम के सेक्शन में दिखाया जाएगा। और जो पोस्ट के थ्रू आपको सब्सक्राइबर मिले हैं वो पोस्ट के सेक्शन में दिखाया जाएगा। तो ये अपडेट मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आगे आप लोग को कैसा लगा पक्का कॉमेंट कीजिएगा। इस अपडेट से आप अपने उस सेक्शन पे फोकस डाल सकते हैं जिससे ज्यादा सब्सक्राइबर आपको इंक्रीज हुए हैं। इन फ्यूचर आप अपने सब्सक्राइबर को और भी इंक्रीज कर पाएंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं फोर्थ अपडेट के बारे में, जो है कंटेंट योर ऑडियंस वॉच। तो पहले आप देख पाते थे कि आपके ऑडियंस आपके वीडियो के अलावा किस तरह के वीडियो वॉच करते हैं और कौन सा चैनल जो है सर्च करते हैं, लेकिन इस अपडेट के बाद आप ये भी देख पाएंगे कि आपके शॉर्ट वीडियो किन किन ऑडियंस के द्वारा देखा गया, आपका लॉन्ग वीडियो किन ऑडियंस के द्वारा देखा गया, आपके लाइव स्ट्रीम को किन ऑडियंस के द्वारा देखा गया और आपके पोस्ट को किन ऑडियंस के द्वारा देखा गया। तो ये अपडेट भी बहुत ही अच्छा अपडेट है। तो इससे आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि आपके किस सेक्शन पे ऑडियंस ज्यादा आ रहे हैं, तो आप उस सेक्शन पे ज्यादा फोकस करेंगे, देन आपके वीडियो का व्यूज भी बढ़ेगा और वीडियो वायरल भी होगा। तो आप जानते हैं फिफ्थ अपडेट के बारे में, जो है थंबनेल इन शॉर्ट। जैसे आप लॉन्ग वीडियो में थंबनेल लगाते हैं, उसी प्रकार आप शॉर्ट में भी थंबनेल लगा पाएंगे। काफी चैनल पे ये फीचर आ चुका है, मेरे चैनल पे भी आ गया है। बाकी जिनके चैनल पे ये फीचर अभी तक नहीं आया है तो जल्द ही आ जाएगा। धीरे धीरे सभी के चैनल पे ये फीचर आ रहा है। इससे आप अपने शॉर्ट को अच्छा कवर दे करके आप शॉर्ट को वायरल कर पाएंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं सिक्स्थ अपडेट के बारे में, जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट अपडेट है, जो है एनालिटिक्स सेक्शन इन एडवांस मोड अपडेट। तो इसमें क्या है, एडवांस मोड में पहले आप जब देखते थे तो ओनली आपको टाइटल दिखता था, लेकिन इस अपडेट के बाद आप अपने वीडियो के थंबनेल, टाइटल, कंटेंट सब कुछ प्रॉपरली विजुअल एनालिटिक्स कर पाएंगे, देख पाएंगे और आप अपने वीडियो को वायरल भी कर पाएंगे, ठीक है। तो आए दिन YouTube पे काफी अपडेट आते रहते हैं, तो आप लोग अपने YouTube स्टूडियो, क्रोम ब्राउजर को गूगल प्ले स्टोर से जब भी ड्यू हो अपडेट कर लिया कीजिएगा, ताकि जो भी YouTube का अपडेट आए तो टाइम से उसका फीचर आपके चैनल पे एक्टिव हो, ठीक है। आगे आज की इस वीडियो में मैंने जो YouTube के 6 अपडेट के बारे में आप लोग को बताया, आई होप कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किन्हीं का कोई क्वायरी, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, रिप्लाई अवश्य मिलेगा। मेरा इंस्टाग्राम ID का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से इजीली आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, देन DM कर सकते हैं।
आगे ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा पक्का कमेंट कीजिएगा, और यदि थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और जो फर्स्ट बार ज्वाइन किया मेरे यूट्यूब चैनल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।